अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट न्यूमैन फॉर्म इनटू फिशर फॉर्म। क्योंकि मेनली हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे दिए होते हैं जिसमें हमें फिशर फॉर्म में ही मॉलिक्यूल को देखना रहता है, और ऐसा भी होता है कि फिशर फॉर्म से हम बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, इसीलिए हमें फिशर फॉर्म में ही क्वेश्चन करने का आदत होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे आप न्यूमैन फॉर्म को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप न्यूमैन फॉर्म को देखो तो न्यूमैन फॉर्म में आपको इस टाइप के दिखते होंगे मॉलिक्यूल। पहला या तो ऐसे दिखेगा, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, या तो आपको न्यूमैन फॉर्म कुछ ऐसा दिखता होगा, या तो इस तरीके से दिखता होगा, या तो आपको न्यूमैन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता होगा। मेनली ऐसे ही दिखते होंगे आपको न्यूमैन फॉर्म। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो न्यूमैन फॉर्म में आपको दो टाइप के बॉन्ड दिखेंगे। जैसे अगर हम इसको देखें तो न्यूमैन फॉर्म में अगर आप देखो, तो अगर इस बॉन्ड को देखो, ए बी और सी, मैंने इसको नंबरिंग कर दिया, तो देखो ये बॉन्ड आपको कैसा दिख रहा है। क्या ये बॉन्ड आपको दिख रहा है इन्वर्टेड वाई जैसा, और एक और बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, मैं इसी को बोल रहा हूँ ए, ए के पीछे ए है और सी के पीछे सी है और बी के पीछे बी है, ये वाला बॉन्ड भी आपको कैसा दिख रहा होगा, इन्वर्टेड वाई, ये इन्वर्टेड वाई है। और अगर यहाँ पे देखो आप, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये भी आपका ए है, बी है और ये सी है, तो यहाँ पे भी आपको दो टाइप के बॉन्ड दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा आपको पहला ये वाई जैसा बॉन्ड, सामने वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे ये सामने वाला बॉन्ड वाई जैसा है, और पीछे वाला बॉन्ड अगर आप देखो तो ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड वाई जैसा, एग्जैक्टली ऐसा। यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों ही बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे वाई जैसे। तो न्यूमैन फॉर्म में आपको इसी टाइप के बॉन्ड दिखेंगे, या तो वाई या तो इन्वर्टेड। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसको बोल रहा हूँ ए, इसको बोल रहा हूँ बी और इसको बोल रहा हूँ सी। इसको मैंने बोला जो जैसे बने वैसे बना देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी। इसको भी कर लेते हैं ऐसे, ये ए, ये बी और ये सी, ए, ये बी और ये सी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड दिख रहा है ये इन्वर्टेड वाई और वाई जैसा दिख रहा है। तो बहुत सिंपल होता है, जो वाई दिखता है वाई को एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं, वाई को एज इट इज ड्रॉ कर ले, मतलब ये ए जैसा है, यहाँ पे अगर देखें इसको ड्रॉ करना है तो ए को इस साइड ड्रॉ कर लो, बी को इस साइड ड्रॉ कर लो, मतलब ए आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, बी आपका राइट में है तो राइट में, और सी आपका डाउन द ग्रुप, ऐसे ड्रॉ, बाकी आपका एक बॉन्ड ऊपर जा रहा होगा। तो देखो ये फिशर जैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का यूज किया। अच्छा अगर इसको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जो जैसा दिख रहा है, ए आपको लेफ्ट में दिख रहा है, ए को लेफ्ट में ड्रॉ कर लो, बी आपको राइट में दिख रहा है, राइट में, और सी आपका डाउन द ग्रुप, बाकी आपका ऊपर एक बॉन्ड और होगा। यहाँ पे इन्वर्टेड वाई है, तो इन्वर्टेड वाई में हम क्या करते हैं, ग्रुप को एक्सचेंज कर देते हैं, बस यही चेंज है, वाई को एज इट इज रखना है और इन्वर्टेड वाई को चेंज कर देना है, ये ए ऊपर ही रहेगा और यहाँ पे अब आपका लेफ्ट में आ जाएगा सी और राइट में आ जाएगा आपका बी, यही चेंज होता है। तो फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस y को एज इट इज रखना है और इन्वर्टेड y को एक्सचेंज करना है। अगर मुझे इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, इस वाले कंपाउंड को देखो, ये सामने वाला बॉन्ड है, मान लेते हैं आपका ये सामने वाला कार्बन है, यहाँ पे a है, आपका इन्वर्टेड y दिख रहा है, तो इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेफ्ट में सी और राइट में आ जाएगा बी, इसके जस्ट पीछे देखते हैं, ये भी आपका एक कार्बन काइरल है, तो ये भी इन्वर्टेड वाई जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सी और यहाँ पे बी और ये ए। देखो कितना सिंपल बना लिया। अगर इसको देखें सेम, ये भी ऐसा ही है, देखो ये, बट यहाँ पे सामने वाला बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको, वाई जैसा दिख रहा है, तो वाई जैसा बॉन्ड जो है उसको एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पे आपका ये सी हो गया, तो सी को पे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर पीछे वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, पीछे वाले बॉन्ड को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये इन्वर्टेड वाई जैसा दिख रहा है, तो सी और बी को आप एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे आ जाएगा सी,
ये बी और ये ए, तो बहुत सिंपल है। अगर इसको ड्रॉ करना है तो एज ए ड्रॉ कर लो इस वाले को, ठीक है, जो जैसा कि दोनों ही वाई है, तो ये हो जाएगा ए ये वाला, ये बी और ऊपर सी, इधर भी आपका ए बी सी। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं न्यूमैन फॉर्म को फिशर फॉर्म। थैंक यू।